नानाखेड़ा थाना क्षेत्र में एक होटल में युवती की हत्या के मामले में नानाखेड़ा थाना पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। उज्जैन पुलिस ने नानाखेड़ा थाना क्षेत्र की नटराज होटल में हुए तनु परिहार की हत्या के मामले का खुलासा करते हुए हत्या के आरोपी प्रेमी को 24 घंटे में हिरासत में ले लिया है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि आरोपी सुभाष युवती के साथ 9 जुलाई को नोटरी से वहीं 23 जुलाई को उज्जैन के चिंतामण गणेश मंदिर में प्रेम विवाह कर चुका है। इसकी जानकारी सुभाष के परिजनों को थी, लेकिन युवती अपने परिजनों की मर्जी से दूसरी जगह शादी करना चाहती थी। इसी कारण उसको कई बार सुभाष ने समझाया भी, लेकिन युवती परिजनों की मर्जी से शादी करने पर अड़ी हुई थी। इसी बात को समझाने के लिए गुरुवार को भी तनु परिहार को उसका प्रेमी सुभाष ऑटो से नटराज होटल लेकर पहुंचा, जहां युवती के नहीं मानने पर चाकू से गला रेत कर उसकी हत्या कर दी और अपने ऑटो से फरार हो गया। हत्या करने के बाद आरोपी अपनी मौसी के यहाँ आकर भाग गया था, जहाँ साइबर सेल पुलिस ने देर रात आरोपी सुभाष को उसकी मौसी के घर से गिरफ्तार किया। आरोपी हत्या करने के बाद होटल से युवती का मोबाइल लेकर होटल मैनेजर को कुछ देर में आने का कहकर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी से हत्या में प्रयुक्त चाकू व ऑटो बरामद किया है। गौरतलब है कि गुरुवार को तनु अपने घर से कोचिंग का बहाना बनाकर अपने प्रेमी सुभाष के साथ होटल पहुंची थी। दोनों में करीब 5 सालों से प्रेम संबंध था। पड़ोस में रहने के दौरान ही दोनों एक दूसरे से मिले थे। कल 13 अगस्त को थाना नानाखेड़ा क्षेत्र में होटल नटराज में एक कमरे में युवती की लाश मिली थी, जो उसके प्रेमी के द्वारा ही हत्या कर दी गई थी। जब हमारी पूरी टीम ने उसको पीछे लगी और पकड़ किया, पता चला कि जो आरोपी है वो युवती के घर के पास ही रहता है। सुभाष पोरवाल नाम है उस व्यक्ति का, ऑटो चलाने का काम करता था। और सही कहना है कि उसने कुछ दिन पूर्व पिछले माह जुलाई में उसके साथ शादी कर ली थी, और लड़के के घर वालों को, मतलब आरोपी के घर वालों को ये सारी जानकारी थी, किंतु लड़की ने अपने घर में नहीं बताया था। लड़की की माँ उसकी शादी कहीं और टाइप करके करना चाह रही थी। जब इस बात का जानकारी आरोपी को लगा तो उसने जो है उसको बोला कि तुमने मुझसे शादी कर ली है, तुम उसके साथ शादी क्यों कर रही हो? तो उसने कहा मेरी माँ जो कहेगी वो मैं करूँगी। फिर रात को लेकर दोनों की अनबन हुई, और फिर उसने बात करने के बहाने उसको होटल में काज बुलाया और वहाँ पर उसकी गिला देकर हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद में वो यहाँ से फरार हो गया। सर, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, शाहजहाँपुर से गिरफ्तार किया गया है। उसके द्वारा फिर चाकू और ऑटो जो यहाँ से पीछे भागा था वो भी।